हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं प्रद्युत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी से एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे मेरे बोर्ड पे देख ही चुके होंगे कि आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैट्रिक हो या फिर इंटर हो, ये फाइनल एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए इसको ध्यान से करना और ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ पाओ, ठीक है। और जो भी एग्जाम में इससे जुड़ी हुई जो भी प्रश्न है उसको आप सही सही सॉल्व कर पाओ। हम लोग आज चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर की। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, कितने प्रकार के होता है, मतलब ट्रांसफार्मर से जुड़ी हर चीज हर बात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्थिर विद्युत मशीन है जो निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में करता है, ठीक। ये सिर्फ एसी के साथ ही काम करता है, डीसी के साथ नहीं। ये समझ में आया आपको, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर को सबसे पहले बनाया था ओटो बलाथी ने। किसने बनाया था? ओटो बलाथी, ठीक है। यानी कि खोजकर्ता अगर पूछे एग्जाम में ट्रांसफार्मर खोजकर्ता कौन है तो वो ओटो बलाथी है। अगर पूछे ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर सिद्धांत पे काम करता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसको मैं अंग्रेजी में भी लिख दूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये इस सिद्धांत पे काम करता है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ट्रांसफार्मर की बनावट कैसे होती है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे वो किस प्रकार काम करता है। यहां पे बनावट की अगर बात की जाए दोस्तों, तो जो ट्रांसफार्मर की बनावट को इस प्रकार से होती है, उसमें क्या होता है कि नरम लोहे से बनाई गई एक आयताकार डिजाइन होता है। ये देख सकते हैं आप, ये एक आयताकार डिजाइन कुछ इस प्रकार से ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये आयताकार नरम मतलब नरम लोहे के ये बने होते हैं, और ये एक नहीं, इसमें बहुत सारे इस आकार के होते हैं। जैसे मैं बहुत तो यहां पे नहीं लिखूंगा, लेकिन दो तीन मैं यहां पे लिखी बता ही सकता हूं। माफ कीजिएगा, मेरा जो चित्र बनाने का डिजाइन है ना, थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी समझने के लायक तो बना ही सकता हूं, ठीक है। इस तरह से कुछ डिजाइन होता है ट्रांसफार्मर का, और ये सारे जो होते हैं नर्म लोहे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नर्म लोहे के, नर्म लोहे के। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब जब ये नर्म लोहे के चारों तरफ इस तरह से आयताकार डिजाइन तैयार हो गया, उसके बाद हम क्या क्या करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है कि एक तांबे के तार से इसके एक साइड को कुंडलित करते हैं, मतलब कि ऐसे करके क्वाइल बनाते हैं, रोटेट करते हैं, मतलब कि एक साइड से पूरा तांबा का तार लेके पूरा लपेट देते हैं, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट साइड में वही काम करते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, क्लियर है, ये रहा, ठीक। अब जिस साइड से हम लोग करेंट इनपुट करेंगे, जिस साइड से हम लोग करंट इनपुट करेंगे उसको हम लोग, उस साइड को बोलेंगे हम लोग, जैसे इस साइड से है ना, ये जो क्वायल है इधर से हम लोग करंट को इनपुट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी क्वायल। प्राइमरी क्वायल हिंदी में, इस प्राइमरी क्वायल हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और इधर से जब करंट जा रहा है ना, तो ऑब्वियसली इधर से निकलेगा करंट, इधर से करंट निकलेगा, तो इसको जिधर से करंट निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी क्वायल, हिंदी में द्वितीय कुंडली। बात क्लियर हुई इतना कि एक लोहे के क्रोड, नरम लोहे के क्रोड से चौकार वर्ग आयताकार बना होता है, एक साइड में तांबा के तार से गोल गोल लपेटे होते हैं, दूसरे ठीक उसके अपोजिट साइड में गोल गोल लपेटे होते हैं, जिधर से हम लोग करंट को इंटर करते हैं, इनपुट करते हैं, उसको प्राइमरी क्वायल बोलते हैं, जिससे आउटपुट में मिलता है वो सेकेंडरी क्वायल होता है, ठीक। अब समझ लेते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के आधार पर काम करता है, अर्थात अन्य प्रेरण के
आधार पे काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है थोड़ा समझेंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इस पहले वाले क्वाइल में करंट सप्लाई करेंगे, इनपुट करेंगे, इस पूरे एरिया में क्या होगा, करंट आ जाएगा। जैसे ही करंट आ जाएगा तो यह इस पूरे जो खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। जितना ज्यादा इधर से आप करंट देंगे ना उतना ही ज्यादा इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र इस एरिया में उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न होंगी, चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्पन्न होंगी और ये द्वितीयक जो सेकेंडरी क्वाइल है इससे कनेक्ट हो जाएगी। जो द्वितीयक सेकेंडरी से कनेक्ट हो जाएगी मतलब कि जो ये बल रेखा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये सेकेंडरी क्वाइल में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करेंगी। क्या उत्पन्न करेंगी यहां पे? ये यहां पे क्या उत्पन्न कर रही है? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न करेगी और ये प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा दोस्तों? विद्युत, शायद नहीं दिखाई दे रहा, विद्युत यहां मैं लिख दूं, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से इनपुट करंट आउटपुट हमें प्राप्त होता है। विद्युत वाहक बल को हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मतलब कि जो प्रेरित धारा है क्या उत्पन्न करेगी? विद्युत वाहक बल जो आउटपुट में जाता है इसको हम लोग अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, यही थी अन्योन्य प्रक्रिया और इसी के आधार पे हमारा पूरा ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आशा करते हैं कि ट्रांसफार्मर की बनावट और बनावट के माध्यम से हम लोगों ने अन्योन्य प्रेरण अर्थात म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझ दिया होगा। अब चलते हैं कि ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लिख दिए हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज के आधार पर, ठीक है, वोल्टेज के आधार पर दो तरह के होते हैं, पहला स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये क्या करता है। तो दोस्तों स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है ये निम्न वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, मतलब कि निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, अब इसकी बनावट की अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें भी सेम वही है, एक प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी क्वाइल है। ठीक है, जो प्राइमरी क्वाइल होता है स्टेप अप का उसमें देख सकते हैं आप, जैसा मैंने फिगर बनाया है, जो ये बाइंडिंग किया हुआ तांबा का तार है ना ये बहुत ही कम है। इनपुट जो है, इनपुट उसमें जिसमें हम लोग तांबा का तार बाइंड किया है बहुत कम है और अगर आउटपुट, ये इनपुट है, अगर आउटपुट की बात करें, आउटपुट की बात करें तो यहां पे तांबे के तार जो लपेटे हुए उनकी मात्रा ज्यादा है। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ये होता है। ठीक, पहला इस चीज को ध्यान से देखिए, नोट कर दीजिए। अब क्या होता है इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज होता है वो हाई होता है और जो करेंट होता है वो लो होता है। इस पॉइंट को देखेंगे और थोड़ा समझेंगे भी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज हाई होता है और जो करंट होता है वो लो होता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस स्टेप अप, मेरे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मैंने 100 पावर दिया। ठीक है, ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर में हम लोग पावर इनपुट करते हैं, वोल्टेज या करेंट नहीं। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने अगर, अच्छा एक सूत्र पहले आप देखिए कि पावर, पावर बराबर क्या सूत्र होता है? वी इंटू आई। क्या होता है जी? वी इंटू आई। ठीक, अब अगर मैं ये यानी कि वोल्ट इंटू करेंट। ठीक है, अब अगर देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है और करेंट जो होता है वो लो होता है। कैसे थोड़ा इसको समझेंगे, अगर मैं इसको प्राथमिक कुंडली की बात करूं तो अगर टोटल वोल्ट, अगर टोटल पावर मेरे पास 100 है तो मैं इसको 2×50 लिख सकता हूं क्या? मतलब कि वोल्टेज 2 और करंट 50। ठीक है, अब ये अगर मान लीजिए कि ये मैंने लिखा है प्राइमरी क्वाइल के लिए, यानी कि यहां पे P मैं दे दूं प्राइमरी क्वाइल के लिए और ये भी। ठीक है, अब बराबर वी इंटू आई मैं एक बार और लिखता हूं, किसके लिए? ये सेकेंडरी के लिए, यानी कि वी एस
ये भी एस, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के लिए अगर मैं लिखूं तो यहां पे भी जो जो भी क्या है, भी है यहां पे आप देख सकते हैं कि अब ये 50 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। बात समझिए, यहां पे देखिए, यहां पे भी क्या हो गया, 50 हो गया और करंट हो गया 2, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वोल्टेज निम्न वोल्टेज होता है उसको हाई वोल्टेज में, यानी कि यहां पे निम्न वोल्टेज डाला गया और वही वोल्टेज यहां पे हाई हो गया। दूसरा, यहां पे जो करंट हाई था और यहां पे करंट जो हो गया वो लो हो गया, मतलब 50 यहां पे 2 हो गया, 2 यहां पे 50 हो गया, ठीक। इसीलिए मैंने इस चीज को लिखा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है वो वहां वोल्टेज हाई होता है और जो करंट होते हैं वो लो होते हैं। दोस्तों एक चीज और कि जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो प्राइमरी बाइंडिंग की जो तांबे के तार होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। और जो सेकेंडरी क्वाइल है इसके जो बाइंडिंग के तांबा के तार होते हैं वो कैसा होता है, पतला होता है। ये बातें क्लियर हो गई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर कॉपी में अपने अनुसार इसको लिख ले। अब सवाल उठता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग कहां पे होता है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग बड़े बड़े ग्रीड में होता है, ठीक है, बड़े बड़े ये ग्रीड में होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ग्रीड से बहुत दूर लंबे दूरी तक ग्रीड से बहुत लंबे दूरी तक इलेक्ट्रिक को ट्रेवल करना पड़ता है, जिसके चलते इसको क्या करना पड़ता है कि वोल्टेज को एकदम मतलब हाई वोल्टेज यहां पे देना होता है, यानी कि जो लो जो, क्योंकि अगर जो बहुत दूर तक करंट ट्रेवल करेगा तो दूर तक जाती है तो उसका जो वोल्टेज होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर ग्रिड में उपयोग किया जाता है ताकि लंबी दूरी पर ये बहुत सही वोल्टेज के साथ जा सके। तो दोस्तों अब आके देखते हैं दूसरे टाइप के जो ट्रांसफार्मर हमने बताया था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में वही चीज है, इसमें फर्क इतना है कि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है, ठीक है, यानी कि इसमें भी जो प्राइमरी क्वाइल जो इधर से जहां से इनपुट करंट हो रहा है ये प्राइमरी क्वाइल होगा और आउटपुट ये भी आपका सेकेंडरी क्वाइल होगा, यानी कि इसमें जो प्राइमरी क्वाइल की जो ये रोटेशन दी गई है ना, जो ये बाइंडिंग दी गई है यहां तांबे की तार के, वो ज्यादा होगी सेकेंडरी क्वाइल के मुकाबले। आप यहां पे देखिए, यहां पे स्टेप अप में क्या हो रहा था, प्राइमरी कम था सेकेंडरी ज्यादा था, और यहां पे प्राइमरी ज्यादा है और सेकेंडरी कम है, क्योंकि यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हाई वोल्टेज को लो करना है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो जाहिर सी बात है प्राइमरी तो ये भी मोटा तार होगा, यहाँ पे प्राइमरी में मैंने बताया था कि प्राइमरी कॉइल में हमेशा मोटा तार और सेकेंडरी में पतला तार लपेटा जाता है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका यहां पे मैं देख पाऊं कि यहां पे जो वोल्टेज जो होगा ना वो लो होगा और जो विद्युत धारा होगा वो हाई होगा। यहां पे देखिए इस चीज को आप इसको इस उदाहरण के माध्यम से यहां पे समझ सकते हैं या फिर याद रखें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है और विद्युत धारा लो होता है, और सेकेंडरी जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज लो होता है और विद्युत धारा हाई होता है। इसके बीच में भी वही म्यूचुअल इंडक्टेंस काम करता है, जैसा कि मैंने पहले ट्रांसफार्मर के बनावट में समझा भी दिया किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों अब रहा कि आखिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग कहां करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग अपने घर के आसपास करते हैं, क्योंकि जो जो मेन लाइन आता है ना वो ज्यादा वोल्टेज में आता है, और हमारे घर में जो लैंप है, टीवी है, फैन है, वो कम वोल्टेज में चलता है, तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि बड़े वोल्टेज को मतलब ज्यादा हाई वोल्टेज को हम लोग लो कर रहे हैं, इसलिए यहां पे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे। तो आशा करते हैं आप इस पूरे वीडियो को ट्रांसफार्मर से जुड़ी जो भी मैंने बातें बताई उसको समझ गए होंगे, उसको आप लोग अच्छी तरह से, अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी यहां पे दे दी गई है। तो बस कैसी लगी हमारी ये वीडियो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।